हे गाइस, सब सभी लोग, तो फाइनली जो है देव फर्स्ट का एंड्रॉइड 14 अपडेट ऑफिशियल अपडेट हमारे पोको X3 डिवाइस के लिए रिलीज हो चुका है। तो आज अपन उसी को इंस्टॉल करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यारो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको बहुत से नए फीचर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। ऑप्टिमाइजेशन में ये लोग कुछ एनहांसमेंट किए, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता। तो मैं यहाँ पे करूंगा, जल्दी से मैं चलूंगा अपने सेटिंग्स पे, अबाउट फोन पे टैप करूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देव फर्स्ट का ऑफिशियल बिल्ड है, एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा हूँ। जैसा मैं यहाँ पे इस पे 3-4 बार टैप करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड 14 इस पे इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे देव फर्स्ट का वर्जन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिशियल 14 अल्फा सूर्या का यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और लेटेस्ट सिक्योरिटी वाइज आपको इसमें इंस्टॉल मिल जाएगा। बात करेंगे अपन इधर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे एनिमेशन है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लैग देखने को मिल सकता जैसे अपन ऐप को ओपन कर रहे या फिर क्लोज कर रहे, तो यहाँ पे देख सकते थोड़ा अपने को लैग देखने को मिल रहा। इसमें आपको गूगल का डायलर इंस्टॉल्ड मिल जाता, मैसेजिंग ऐप भी इसमें गूगल का इंस्टॉल्ड है और कंट्रोल सेंटर में आपको कोई भी लैग या फिर स्टटरिंग देखने को नहीं मिलती। एकदम स्मूथ यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है और ब्लूटूथ वगैरह इसमें परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। और यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। जैसे अपन इस पे टैप करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता। ये बहुत तगड़ा वाला फीचर है, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका जो है कैमरा एक्सेस या फिर माइक एक्सेस ले रहा तो आप इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं, सिर्फ इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। और यहाँ पे आप कैमरा एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, माइक एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं, लोकेशन एक्सेस को भी आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। इसको ब्लॉक कर देने से जो है कौन सा भी एप्लीकेशन आपका जो है माइक कैमरा या फिर लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे। तो ये प्राइवेसी फीचर मेरे को बहुत तगड़ा लगा। और एक बहुत तगड़े वाले नए फीचर की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। अपन चलेंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे, एप्स पे अपन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोन्ड एप्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता। अब आप जो है अपने एप्स को जो है क्लोन भी कर सकते हैं, प्लस वाले आइकॉन पे टैप कर देने से ये जो है क्लोन कर देता एप्लीकेशन को। मैं आपको यहाँ पे करके बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेफ्टी नेट को जो है क्लोन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोन लिखा हुआ आ चुका है, इसका क्लोन जो है क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपको असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप असिस्टेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम का डैशबोर्ड भी मिल जाता। बैटरी पे चलेंगे अपन तो यहाँ पे आपको बैटरी यूजेज का ऑप्शन मिल जाता और बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता। इसमें आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता, आप इसको बैटरी सेवर को शेड्यूल भी कर सकते। बैटरी लाइट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता और चार्जिंग कंट्रोल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता। साउंड एंड वाइब्रेशन पे चलेंगे अपन तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते। और अपन चलेंगे यहाँ पे डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क थीम और व्हाइट थीम परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। अगर आप डार्क थीम और व्हाइट थीम में स्विच करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी लैग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ये 60 और 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिक स्विच करते रहता। बैटरी कंजप्शन भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता। यहाँ पे अपन तगड़े फीचर की यहाँ पे बात करने वाले, वॉलपेपर एंड स्टाइल पे चलेंगे तो इसका इंटरफेस आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज कर दिए हैं। लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन के आपको दो सेक्शन मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे आप क्लॉक को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। स्वाइप करने पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक के स्टाइल्स मिल जाएंगे। और नीचे आपको यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाता है, लेफ्ट शॉर्टकट राइट शॉर्टकट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट शॉर्टकट को कैमरा पे सेट कर दूंगा, राइट शॉर्टकट को मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे सेट कर दूंगा, तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो है शॉर्टकट क्रिएट हो जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन का इंटरफेस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और शॉर्टकट भी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आ गए। और वैसे ही आप जो है यहाँ पे बहुत सारे क्लॉक्स को इनेबल कर पाएंगे लॉक स्क्रीन पे। ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अमेजिंग है। होम स्क्रीन पे अपन टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको थीम डायकॉन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, थीम डायकॉन्स इसमें परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। और ग्रिड की बात करेंगे तो आपको इतने सारे ग्रिड्स मिल जाएंगे। सिस्टम पे चलेंगे अपन तो यहाँ पे आपको USB कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन अलग से देखने को मिल जाएगा। और स्टेटस बार के सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर सकते हैं, बैटरी के स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। गूगल फोटोज में आपको एज ऑलवेज जो है अनलिमिटेड स्टोरेज अनलॉक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है बाय डिफॉल्ट पास्ट मिल जाएगा। प्ले प्रोटेक्ट आपको यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं मिलेगा, पता नहीं कि वो ऑफिशियल बिल्ड है तो प्ले प्रोटेक्ट यहाँ पे सर्टिफाइड रहना चाहिए, पता नहीं क्यों यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है। यहाँ पे मैंने 6 मिनट तक CPU थ्रॉलिंग टेस्ट को जो है परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे आप ग्राफ को देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1,68,000 GIPS मिल जाएगा, मिनिमम आपको यहाँ पे 1,47,000 GIPS मिल जाएगा। तो हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस है। ग्राफ में आपको कोई भी रेड कलर की जो है रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, फुल ग्रीन ग्राफ है, एवर ग्रीन, यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ पे अपन बात करेंगे इस लॉन्चर की, तो इसमें आपको गूगल का लॉन्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो सेक्शंस मिल जाएंगे, पर्सनल का और एक वर्क का। यहाँ पे आपको सारे क्लोन्ड एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपको गूगल का जो है सर्च बार मिल जाएगा, कुछ भी यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, गूगल एप्लीकेशन को अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, टैप करने से गूगल लेंस इनेबल हो जाता। आपको यहाँ पे ये वाला कैमरा एप्लीकेशन इनबिल्ट मिल जाता, इसमें आपको बेसिक से फीचर्स मिलते हैं। और रिसेंट एप्लीकेशन को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप के आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। और सेलेक्ट के ऑप्शन को टैप करने से आप जो रिसेंट में जितना भी टेक्स्ट है उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन
ऑप्शन भी है। लेफ्ट स्वाइप करने से आपको क्लियर ऑल का बटन भी मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे गेमिंग भी करने वाले, मैं आपको बताऊंगा गेमिंग में आपको परफॉर्मेंस कैसा मिलता। तो अपन बीजीएमआई को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे मैं ग्राफिक्स पे चलूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बाय डिफॉल्ट ही ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप 60 FPS को 90 FPS को इनेबल करना चाहते तो इस वाली वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्टेडियम मैच खेलेंगे, आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस कैसा रहता। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई भी मेरे को लैग देखने को नहीं मिला और FPS भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट FPS रहते, कोई भी इसमें रेंडरिंग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा खराब गेम प्ले है, लाइट मार दो, बहुत दिनों से नहीं खेल रहा हूँ बीजीएम में। तो आप एंजॉय करो गेम प्ले, गेम प्ले के बाद आपको मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बताऊंगा। तो अपने डिवाइस में डेप फर्स्ट का ऑफिशियल 114 वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डिवाइस के कस्टम रिकवरी में बूट हो जाना है। मैं अपने डिवाइस के यहाँ पे कस्टम रिकवरी में देख सकते हैं बूट हो रहा हूँ। कस्टम रिकवरी में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले वाइप पे चलना है। यहाँ पे डेलवी कैचे मेटा डेटा डेटा जिन सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप स्वाइप कर देंगे। वाइप प्रोसेस अपना कम्प्लीट हो चुका है, अपन क्या करेंगे इंस्टॉल पे चलेंगे और यहाँ पे आपको डेप फर्स्ट 114 वाले फाइल को जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्लैश कर देना है। वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये फाइल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। स्वाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप यहाँ पे वेट करिए इंस्टॉल होने तक। अब इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करेंगे, होम पे टैप करेंगे, फिर से आप वाइप पे जाएंगे, फॉर्मेट डेटा पे टैप करके कीबोर्ड पे YES टाइप करके आप टिक कर देंगे तो आपका डिवाइस जो है फॉर्मेट हो जाता। आप अपने डिवाइस को रिबूट कर सकते हैं और आपका डिवाइस डेप फर्स्ट में बूट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करें तो। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत जरूरत है। तो चलो फिर अपन वीडियो को एंड करने वाले, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।